अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ जी, ये मोज़रेला चीज़ जो मैंने ऑर्डर की थी एक ऑनलाइन पेज से, तो उसके बारे में मैं आपको बताऊँगी और इसका रिव्यू भी दूँगी कि ये चीज़ कैसी है और मुझे किस रेट्स में पड़ी, तो आपको ये बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोग वीडियो एंड तक लास्ट में देखिएगा, उसके बाद आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि हाँ आपको ये बाय करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, तो ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और मुझे विद इन वन डे, मतलब मैंने आज अगर इसको ऑर्डर किया ना तो कल मुझे इसकी डिलीवरी हो गई थी। और इसके ऊपर जो था ये कुछ ट्रांसपेरेंट पैकेट में आया था, उसके ऊपर सारी इसकी डेट्स वगैरह जो थी वो मैंशन थी। अच्छा, तो यहाँ मेरे पास अभी तीन चीज़ें हैं जैसे कि आपको नज़र आई हैं। फर्स्ट मेरे पास एडम्स की बेजर चीज़ है, सेकंड मैंने मोज़रेला जो मैंने ताज़ा फूड से ऑर्डर की थी वो है, थर्ड जो है वो मेरे पास एडम्स की चेडर चीज़ है। तो मेरे पास ये तीनों चीज़ अवेलेबल थी, तो मैंने तीनों को मिक्स किया आपस में। आप चाहें तो अलग अलग यूज़ कर लें, चाहे तो आप मिक्स कर लें। मैंने तीनों को जो था वो इतनी क्वान्टिटी लेके तो मैंने तीनों को मिक्स करके यूज़ किया था। अच्छी तो इन तीनों में से वो चीज़ कौन सी है जिसका मैं आपको रिव्यू देने जा रही हूँ, तो मुझे आपको ज़्यादा क्वांटिटी में जो चीज़ नज़र आ रही है ना, मैं आपको इसका रिव्यू देने जा रही हूँ। ये मोज़रेला चीज़ है ताज़ा फूड्स की। तो यहाँ पे जी मैंने अपना पिज़्ज़ा के लिए अपना पूरा मिक्सर तैयार कर लिया था। मैं इस तरह से रेडी करती हूँ, आप जिस तरह से मर्जी चाहें आप किसी भी तरह की फिलिंग जो है उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ जी हमारा मिक्सचर जो था वो तैयार हो गया था और एंड पे इसकी कुछ इस तरह से आ रही थी। इसके बाद जो मैंने ब्रेड यूज़ की थी, तो मैंने कोई डो वगैरह जो था उसको नहीं खुद तैयार किया था घर में। मैंने पिटा ब्रेड जो आप लोगों को मोस्टली मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है, जिसमें हम शॉर्मा भी बनाते हैं, तो मैंने वो बाय कर ली थी क्योंकि इतनी गर्मी है, अब कौन उसका आटा शटा बनाता, तो मैंने जी सिंपली वो बाय करके लिया। मैं पिटा ब्रेड आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप उस पर बना सकते हैं। मैंने सारे फिलिंग वगैरह कर दी और एंड पे मैंने इसे ओवन में नहीं, मैंने इसे चूल्हे पर बनाया था नॉनस्टिक पैन के अंदर, तो बहुत ही 5 मिनट्स के अंदर था ये रेडी हो गया था और बहुत ही अच्छा इसका मज़े का टेस्ट है। इस चीज़ का काफ़ी अच्छी, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। तीन चीज़ का मिल के आपस में टेस्ट जो था वो बहुत अच्छा था। अच्छा, तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि आप इसको बाय कैसे कर सकते हैं। मैंने पूरी वीडियो आप लोगों के लिए शूट किया, तो सबसे पहले जी आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने अपना गूगल क्रोम जो है उसको ओपन करना, ठीक है। सबसे पहले तो आपके पास इंटरनेट होना ज़रूरी है, उसके बाद आप गूगल ओपन करेंगे और ऊपर आप लोग टाइप करेंगे ताज़ा फूड्स। तो ताज़ा फूड तो जब टाइप करेंगे ना तो आप लोगों के पास एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी नीचे, आप लोग उस वेबसाइट पर क्लिक करेंगे ताज़ा फूड्स को, तो आपके पास पूरा जो है वो उसका पेज ओपन हो जाएगा। नहीं तो मैं इसका जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, आप उधर से भी इजीली जो है। अच्छा जी, कुछ इस तरह से जी ताज़ा पेज का आपका पूरा जो है वो पेज ओपन होकर दिखाएगा। इसके पास आप देख लें काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, इसमें चीज़ है, फ्राइज है, डिफरेंट कैसेप्स हैं और आप काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बाय कर सकते हैं। आपको अगर चीज़ बाय करनी है तो आप चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। इसमें आपके पास चेडर चीज़ है, मोज़रेला है और काफ़ी टाइप्स के और भी जो हैं वो आपके पास चीज़ें हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप स्लाइस में लेने चाहें, ब्लॉक में लेने चाहें, जिस तरह भी आप लोग लेने चाहें तो आप ले सकते हैं। मैंने जो है वो ब्लॉक में ली थी, तो आपके पास देखिए 1 kg जो है वो आपके पास तकरीबन 1250 की है। आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आपको 1 kg चाहिए, 2 kg चाहिए, तो इसके बाद अगर आपको 2 kg चाहिए तो ये जो अमाउंट है ये डबल हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने जी जाके बाय इट नाउ करना है। आप लोग जब इसको बाय इट नाउ करेंगे तो आपके पास जो है पूरी डिटेल्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। आपने वहाँ पर अपना सारा जो है वह कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, आपका ई मेल वगैरह सारा कुछ आपने फिल कर लेना है। उसके बाद जब आप लोग फिल कर लेंगे तो आप लोग ऊपर देख लीजिएगा एक दफ़ा दोबारा कि आप लोगों ने क्या क्या ऑर्डर किया है। तो 1260 की जो थी ये मुझे 1 kg पड़ी और आप नॉर्मली किसी भी बाहर से अगर आप बाय करेंगे यहाँ से की मैं बात करूँ तो तकरीबन 1800 की जो थी वो पड़ती है। अच्छा, इसके बाद से आपको एक कन्फर्मेशन टेक्स्ट आएगा आपके ईमेल पर जो आपने वहाँ पे दिया है, तो आप लोग अपना ईमेल ओपन करेंगे तो आप उनका कन्फर्मेशन टेक्स्ट आया होगा कि आपका ऑर्डर जो है वो हो गया है कन्फर्म। तो विद इन 1 डे जो है ये आपको रिसीव भी हो जाती है और काफ़ी अच्छा इसका टेस्ट है, काफ़ी अच्छा जो है इनकी डिलीवरी काफ़ी अच्छी है, इनकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी है, सर्विस काफ़ी अच्छी है और डिलीवरी चार्जेस इनके जस्ट 140 rupees हैं। तो आप लोग, मैं तो आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप लोग इनसे बाय करें, चिराग पिंडी इस्लाम पेशावर के जो लोग हैं वो इनसे चीज़ को बाय करें, आपको काफ़ी जो है फ़ायदा होगा, काफ़ी आपको अच्छी लगेगी। ट्राई कीजिएगा और मुझे लाजमी आप बताइए। तो मैं याद रखिएगा कि वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक लास्ट भी कर दीजिएगा और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।